समीकरण को, कांग्रेस की जीत के समीकरण को बिगाड़ दिया था जब अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे थे, उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। ये वोट बैंक काफी खास मायने रखता है छत्तीसगढ़ में, जिस वोट बैंक को साधने के लिए एक बहुत बड़ी बैठक रायपुर में चल रही है। डॉक्टर लखन चौधरी जी, और निश्चित रूप से वोट बैंक के मद्देनजर ही इस बैठक को इस बार चुनाव के ठीक पहले जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है गांधी जी। तो निश्चित रूप से कि जहां पर अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा जाता है कि जो है ये बहुत जो है सरल लोग होते हैं और इनके जो वोट बैंक होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, इनके वोट बैंक में बहुत ज्यादा सेंधमारी जो है असंभव होती है। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति में सेंधमारी सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है, उसमें किया जाता है और उसी के माध्यम से सरकारें बनती और बिगड़ती है, यानी सरकार बनाने बिगाड़ने का जो खेल है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है ये अनुसूचित जाति वर्ग की होती है, ऐसा माना जाता है। और यही वजह है, यही कारण है कि जो है अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है और उसको साधने की कोशिश भी जो है की जा रही है भाजपा के द्वारा, और समय समय पर कांग्रेस भी यही काम करती है। निश्चित रूप से देखिए, जो भी राजनीतिक दल होगा उनको ये करना ही है जी। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज जो अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर संविधान विरोधी, कानून विरोधी और कई तरह के जो आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है और मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता कि देखिए भूपेश बघेल की जो सरकार है वो सभी वर्गों को साधने का काम कर रही है, केवल जो है। तो इसलिए कानून विरोधी, संविधान विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी ऐसा कहना जो है, देखिए ठीक है आप सियासत करिए, राजनीति करिए आरक्षण को लेकर, लेकिन इस तरह का आरोप लगाना जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि हजम नहीं हो रहा है, जनता को भी हजम नहीं होगा। देखिए जब 2012 में रमन सिंह की सरकार थी तो 12% अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया था और 58% जो आरक्षण था उसमें 12% था। भूपेश बघेल की सरकार ने अभी प्रस्ताव जो रखा है, प्रस्तावित है, जो हालांकि वो लटका हुआ है, तो इसमें तो 1% बढ़ाकर 13% कर दिया गया है। तो फिर कैसे आप अनुसूचित जाति विरोधी जो है कहेंगे? और ये कहा भी जा रहा है कि जनगणना में ही 13% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या बताई जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सियासत अपनी जगह है और ठीक है कि दोनों पार्टियों का अपना अधिकार है कि सियासत उस पर करेंगे, होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा भाजपा की ओर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भी देखिए उस वर्ग से दो दो लोगों को मंत्री बनाया है, जबकि मंत्रिमंडल में संख्या कितनी कम है जी। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर, ये आरोप मुझे लगता है कि जो है स्वीकार नहीं होंगे जनता के द्वारा भी। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, वो तो चलती रहेगी, जैसे जैसे चुनाव आएगा राजनीति और बढ़ेगा जी। और जिस तरह से